शीतल नगरी के नाम से दुनिया में मशहूर मुरादाबाद आजकल प्रदूषण की मार से जूझ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों पर गौर करें तो मुरादाबाद देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में बना हुआ है और यहां प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। दशहरे के बाद से वायु प्रदूषण के बढ़ने का जो सिलसिला जारी हुआ है वह दीपावली के बाद कई गुना ज्यादा हो गया है। पीतल फैक्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक कचरा जलाए जाने और निर्माण कार्यों से बढ़ रहे प्रदूषण ने इंसानी स्वास्थ्य को बीमार कर दिया है। मुरादाबाद के जिला अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक प्रदूषण से बीमार होने के चलते अस्थमा और फेफड़ों के रोगों की तादाद 20% बढ़ गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक मुरादाबाद देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है और दीपावली के दूसरे दिन प्रदूषित हवा के मामले में यह शहर देश में पहले नंबर पर था। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ज्यादा का आंकड़ा मनुष्य के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है और मुरादाबाद इस आंकड़े को पार कर चुका है। खराब हवा का असर अब आम लोगों पर भी नजर आने लगा है और जिला अस्पताल में हर रोज 3000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम में बदलाव और प्रदूषण की दोहरी मार ने यहाँ अस्थमा, दमा, फेफड़ों की बीमारी और सांस लेने की दिक्कत लोगों को महसूस हो रही है। वहीं छोटे बच्चे भी बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों के बाद अस्पताल प्रशासन ने सीनियर डॉक्टरों की ड्यूटी को आपातकालीन सेवाओं की ड्यूटी में लगाया है। ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए अतिरिक्त जिला अस्पताल में सैकड़ों मरीज भर्ती हैं, जबकि निजी अस्पतालों में भी तादाद बढ़ रही है। यह पहला मौका नहीं है जब मुरादाबाद में प्रदूषण जी का जंजाल बना हुआ है। पिछले कई सालों से कमोवेश यही हाल सर्दियों में मौसम में बने हुए हैं। एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तमाम कोशिशों के बाद प्रदूषण की मार लोगों को बेहाल किए हुए है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक खराब वायु की स्थिति पर अगर जल्द सुधार के कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सालों में इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। देखिए, दीपावली के बाद निश्चित तौर पे मुरादाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में आया ये, और उससे पहले भी लगातार मुरादाबाद ने देश के 5 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में स्थान बनाया हुआ है। तो वायु प्रदूषण का जो सबसे बड़ा असर है वो ये है कि जो सांस के रोगी होते हैं, COPD तथा अस्थमा के मरीज, उनकी जो लक्षण होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जो मरीज दवाओं के अंदर कंट्रोल भी हो रहे होते हैं वो मरीजों में भी दवाएं बेअसर हो जाती हैं और उनको दवाओं की ज़्यादा खुराक या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से कुछ इस तरह के मरीज आ रहे हैं जिनको लगता है आपको दिक्कत हुई है? कुछ मरीज ऐसे अवश्य आए हैं जो पहले प्रॉपर कंट्रोल में थे, लेकिन अब उनके लक्षण बढ़ करके उनको भर्ती होने या दवा की खुराक बढ़ाने की नौबत आ रही है। देखिए, वायु प्रदूषण एक काफी जटिल मामला है। इसमें वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत होते हैं वाहनों से निकला हुआ प्रदूषण, दूसरा फैक्ट्रियों से या भट्टियों से निकला हुआ प्रदूषण, तीसरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यानी कहीं पर अगर निर्माण कार्य हो रहा हो निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, चौथा सड़कों से उड़ने वाली धूल जो ट्रैफिक के मूवमेंट से जो सड़कों से धूल उठती है वो, पांचवा अगर बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जिसके ऊपर वनस्पति नहीं है तो वहाँ से उड़ने वाली धूल। तो एक समग्र प्रयास की ज़रूरत है। शहर की सड़कें ऐसी हों जिसमें बिल्कुल जाम ना लगा हो, कंस्ट्रक्शन जहाँ भी हो रहा हो नियमानुसार वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होने से पहले पानी का छिड़काव हो, सड़कों पर धूल ना हो, केवल इंडस्ट्रियल एरिया में ही ढलाई की फैक्ट्रियाँ हों, आबादी के इलाके में ना हो, और तमाम उन पे पूरे औद्योगिक सुरक्षा के मानक के हिसाब से फैक्ट्रियाँ बने, वाहन सारे प्रदूषण ना करें इस तरह के CNG के वाहन, तो इसी से एयर क्वालिटी को सुधारा जा सकता है। हाँ, जहाँ पर घनी आबादी के बीच में जो ज़्यादा प्रदूषित इलाके हैं वहाँ पर हम अवश्य कहेंगे कि जो भी आदमी वहाँ पर जा रहा है या लंबे ट्रैफिक जाम में खड़ा हुआ है तो वो N95 मास्क का इस्तेमाल करें।
मरीजों की संख्या जब से ये एयर क्वालिटी मुरादाबाद की बिगड़ी है तो सांस के ज़्यादातर मरीज लक्षणों के बढ़ने की शिकायत लेकर के आ रहे हैं और पहले के अपेक्षा तकरीबन 20% मरीज बढ़ गए। एक दिन में कितनी ओपीडी हो जाती है? तकरीबन 200 के करीब ओपीडी हमारी है यहाँ पर, 200 के करीब मरीज देखते हैं। इसके अलावा सीओपीडी के तकरीबन सीओपीडी तथा सांस से संबंधित बीमारियों के तकरीबन 40-50 मरीज हमारे अस्पताल में हर वक्त भर्ती भी रहते हैं। ये जब भी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हवा में बढ़ जाती है तो उससे बच्चों में आने वाले जो समय में सांस संबंधी बीमारियां, एलर्जी के एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, खासतौर से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है, ऐसे बच्चे जल्दी चपेट में आते हैं इसकी और आगे चल के उनको क्रॉनिक जो एस्थमा होता है उसमें उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं ये उनसे अपेक्षा करूँगा कि जो दिवाली पे जिस तरह का ये पटाखा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ सालों से, तो हवा में जहर घोलने का, चूँकि हवा में इसी हवा में हम सबको सांस लेना है और अगर इसको शुद्ध रखना है तो कम से कम जागरूकता अभियान चलाएं इस संबंध में, जिससे कि आने वाले हमारी पीढ़ियों को और जो खासतौर से बच्चे और वृद्ध हैं उनको सांस संबंधी बीमारियों से बचाया जा सके। बढ़ते का कुछ असर दिख रहा है आपको बच्चों में या नहीं? पेशेंट आ रहे हैं आपके पास अभी? डेफिनेटली निश्चित तौर से ये जो 2-3 दिन में जो इस तरह से हवा में जो प्रदूषण बढ़ा है उससे सांस संबंधी बीमारियां भी, न्यूमोनिया और ये अस्थमा और दमा की बीमारी है, ये बच्चों में खासतौर से बढ़ने को देखने को मिला और काफ़ी बच्चे ही बीमारी को लेकर माँ बाप उसको आ रहे हैं हमारे पास और जो उनकी जो पहले से जो यहाँ पर आने की जो एक तरह की अटेंडेंस थी वो बढ़ी है। एक दिन में कितनी ओपीडी हो जा रही है? ये ओपीडी हमारे करीब 100 से ऊपर जा रही है समय, जो दिवाली से पहले करीब 60-70 थी, अब बढ़ी है। इधर क्या सलाह देंगे सर आपके सवाल? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो जिसके आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जो समाज के जागरूक लोग हैं, तो हम अपनी जो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं जो हमारी जीवनदायिनी है उसको हम अगर शुद्ध नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में हमें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे जिसके लिए हम सब जिम्मेदार माने जाएंगे। ये जितना भी धुएं का असर है और प्रदूषण का असर है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और ये बिल्कुल आपने सच कहा कि जितने भी हमारे सांस के रोगी हैं वो दिवाली के बाद और दिवाली के दिन हमेशा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग इमरजेंसी जब ड्यूटीज़ लगाते हैं तो ऑन कॉल ड्यूटी में हमेशा चेस्ट फिजिशियन को भी रखते हैं, क्योंकि एक अचानक से इंक्रीज होता है जो धुएं की और प्रदूषण की दर है उसमें। ये हर साल दिवाली पर एक तो आँखों में प्रॉब्लम दिवाली के टाइम पर चिरमिराहट लाली ये काफ़ी मिलती है, दूसरा एकदम से सांस के या तो जो पुराने रोगी होते हैं उनमें अटैक पड़ने की दोबारा संभावना रहती है ऐसी स्थिति में, या फिर कोई जो वैसे एस्मा के मरीज नहीं है उनमें भी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, फेरिंजाइटिस, राइनाइटिस सब के चांस इस समय बढ़ता है, तो तय बात है हमारे रोगी भी बढ़ते हैं। हमारी अस्पताल की ओपीडी 2-3 हज़ार के बीच वेरी कर रही है अभी इस समय और इसमें सभी रोगी हैं। नॉर्मल दिनों में कितना रहता है मैम आंकड़ा, कम रहता है या थोड़ा? इसी के बीच रहता है, 2-3 हज़ार नए और पुराने रोगी मिला के हमारे इतने। सलाह हमारी ये रहेगी कि पहले तो ये एक इतना ज़्यादा प्रदूषित शहर हो गया है तो हम सब जो यहाँ के नागरिक हैं सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सब अपने अपने स्तर पर प्रदूषण को कम करने की कोशिश करें। इस बार दिवाली पर तो वैसे मैंने देखा कि लेट नाइट पटाखे और बम की आवाज़ कम आई, पर इसमें प्रदूषण में एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे 2-4 पहिया वाहन हैं, हम लोग अब बिल्कुल थोड़ी दूरी भी पैदल नहीं चलना चाहते,
हमेशा व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे और जो फ्यूल है उससे एमिशन होता है। इसी तरह एसी से बहुत प्रदूषण होता है, जब बिल्कुल ही आवश्यक हो तभी उसका इस्तेमाल करें, पर अब ये एक रूटीन सा बनता जा रहा है कि गर्मी में जहाँ बैठें एसी जरूर चाहिए। इसी तरह हम लोग जगह जगह कूड़ा जो है उसको इकट्ठा किया और धुआं आग लगा दी, उसे धुआं हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग देखें, इसी तरह दिवाली पर आप शकुनार्थ जो है थोड़ा बहुत एक दो फुलझड़ी जला लें, लगातार बहुत ज़्यादा जलाने से कोई बहुत ज़्यादा तो फायदा है नहीं, तो इस बात को खुद भी समझें, बच्चों को भी समझाएं। हमारे चिकित्सालय में जो चेस्ट फिजिशियन हैं वो डॉक्टर प्रवीण शाह, वो काफ़ी अच्छे से मरीजों को मैनेज करते हैं और काफ़ी उनका अनुभव है इस क्षेत्र में, और मेरे हिसाब से तो जो भी हमारे पास मरीज आएंगे उनका हम पूरी शिद्दत से पूरा इलाज यहाँ करने के सक्षम है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।